हर मौसम में विभिन्न तरीके की बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में मम्स और चिकन पॉक्स की बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, जो एक दूसरे में जल्दी से फैल जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जिला अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। यदि आपके बच्चों में भी चिकन पॉक्स या फिर मम्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपने बच्चों का इलाज करवाना शुरू कर सकते हैं। जिला अस्पताल में रोजाना 5 से 6 मरीज मम्स के यहाँ पर आ रहे हैं और 2 से 3 मरीज यहाँ पर चिकन पॉक्स के भी पहुँच रहे हैं। जिला अस्पताल अल्मोड़ा में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पंत रोजाना 5 मरीज मम्स के देख रहे हैं और 2 से 3 मरीज चिकन पॉक्स के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिन्हें देखकर उन्हें दवाइयाँ और उन्हें सलाह भी दी जा रही है। इसको लेकर उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। ये देखिए, आजकल बरसात के मौसम में समय बच्चों में मम्स और चिकन पॉक्स के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। ये दोनों ही एक तरह के वायरल इन्फेक्शन हैं। चिकन पॉक्स भी वेरिसेला वायरस से होता है, मम्स भी वायरस से होता है। तो वायरल संक्रमण जनरली एक से दूसरे में फैलते हैं। ये तो जो है क्राउडेड प्लेसेस में हम जाने के लिए मना करते हैं बच्चों को, लेकिन अब बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये फिर इसमें माता पिता को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अपने बच्चे को मम्स है या चिकन पॉक्स है तो उनको कुछ दिन स्कूल ना भेजें जब तक कि वो इन्फेक्टिव फेज में है। एक बार जैसे चिकन पॉक्स के दाने सूख जाते हैं फिर बच्चा नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है, उसके बाद उसको फिर कम्युनिटी में या स्कूल में इस जगह भेजा जा सकता है। ये लगभग एक हफ्ते में अधिकांश बच्चे ठीक हो जाते हैं। उपचार मम्स का भी सिम्टोमेटिक है, लक्षण के हिसाब से उपचार है। और जो चिकन पॉक्स या माता कहते हैं आम भाषा में, उसमें लक्षणों के अलावा एंटीवायरल दवा भी दी जाती है। और एंटीवायरल दवा का सबसे अच्छा प्रभाव तभी पड़ता है जब बच्चे के शरीर में दाने निकलने के 24 घंटे के अंदर वो दवा शुरू कर दी जाए। तो अगर बच्चे को आपको लग रहा है माता है या चिकन पॉक्स है, तो फिर उसे जल्दी से जल्दी आप अस्पताल ला के चिकित्सक की सलाह से प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर शुरू करें। मम्स के ज़्यादा केसेस हैं समय, प्रतिदिन लगभग 3-4 से लेके 5-6 तक मरीज आ जाते हैं। चिकन पॉक्स 1 या 2 दिन छोड़ छोड़ के आ जाते हैं। इनका देखिए बचाव तो मैंने बता ही दिया है कि क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं। इसके अलावा इनके टीके भी उपलब्ध हैं, जो लोग सक्षम है लगवा सकते हैं तो इनके टीके भी लगवा सकते हैं। बरसात के दिनों में मम्स और चिकन पॉक्स के मरीज ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। डॉक्टर मनीष पंत ने ये भी बताया कि रोज़ाना 8 से 10 मरीज यहाँ पर चिकन पॉक्स और मम्स के आ रहे हैं, जिनका उपचार करके उन्हें दवाइयाँ देकर उन्हें घर भी भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।